अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैम्बिनो, और इसको वर्मेसली भी बोलते हैं, कोई खारी सेमी भी बोलते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है इसको। एक दो तीन ही चीज़ें लगते हैं, टमाटे, कोथमीर, हरी मिर्ची, तेल, प्याज, और ये है वर्मेसली, खारी सेमी बोलते हैं। देखिए आप लोग, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालना, पर सेमी भुने जाना, सोंधापन आता, थोड़ा सा लाइट घी डालना। ताकि सेमी भुने गए जैसे, और इसको तेल डाले बाद ऐसे करना अपन, क्यों बोले तो चिपक जाते नहीं तो सेमी। ऐसा करे बाद अब ये हो गया, अब ये सेमी डालते अपन। आधा किलो सेमी है ये। अच्छे से भुनना ब्राउन हुए तक, ये ब्राउन हुए तक अच्छा सा भुनना अपन, सोंधा पना पास। ये ब्राउन हो गई है, सेमी अच्छा भुने गए, अपन ये निकाल। अभी ये एक कटोरी तेल आप लोग डाल, एक कटोरी तेल डाल, अभी छोटी एक प्याज की डल्ली डालना अपन इसमें। तेल गर्म हो चुका है, अब ये छोटी एक प्याज की डल्ली है डाल। ये लाइट ब्राउन होते अदरक लहसुन डालना। प्याज जो है सो लाइट ब्राउन हो गई, अब अपन इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। एक चम्मच डालिए, अदरक लहसुन डाले अपन इसमें, एक चम्मच मिर्ची डालिए। ये थोड़ा हाफ, अगर कम अगर आप लोग तेज खाते तो थोड़ा हाफ ऊपर हाफ चम्मच डालिए। फिर अदरक लहसुन करना मार, हल्दी, ये टमाटे मीडियम साइज के 6-7 टमाटे ही, इसको अब अच्छा सा भुनना अपन। देखिए ये अच्छा सा भुनना टमाटे, और ये जल्दी भी बनता और टेस्टी भी रहता। अगर भूख लगी अपन को जल्दी, अरे कुछ जल्दी पका दे के खा लेना बोल के अपने, तो ये बना ले के खा ले सकते हैं अपन। बच्चे हो या बड़े हो, किसको भूख लग रही जल्दी, तो जल्दी बनता है और टेस्टी भी रहता, जल्दी भी बनता, जल्दी बनता है। अच्छा सा भुन गया ये, अच्छा सा भुने गया है ये। देखिए तेल छूटा, और ना इसमें मैगी मसाला भी नहीं डालना, इसमें ना पास्ता मसाला डालना, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टमाटे प्याज से चाहिए। अब ये देखिए अच्छा भुने गया, इसमें आधा जग पानी डालना अपन। सेवी जो है सो अच्छा सा गलना, पर खरेरी रहना, सेवी गलना और खरेरी रहना। अब इसमें अपन थोड़ा लाइट नमक डालना, क्यों बोलते टमाटों के लिए हाथ ही डाले थे अपन। अब इसमें थोड़ा सा नमक, बस 1.5 चम्मच नमक डालिए,
एक स्पून फुल्ली, एक स्पून हाफ ली नमक। अभी अच्छा सा पकना, इसमें से थोड़ी कोथमीर और ये थोड़े हरी मिर्च। अभी पानी अच्छा सब आउट ना, ये उसके बाद अपन सेवी डालना। पानी अच्छा सा पकना ही, उसके बाद अपन सेवी डालना। अब ये कवर कर रही मैं। चलिए अब अपन देखते हैं, पानी बॉईल हो गया, अब अपन ये सेवी डालते हैं। जो अपन भून के रखे थे वो सेवी डालना। डालते डालते हिलाइए आप लगा सेवी, मैं तो पकड़ लेता नीचे, बैठ जाती एकदम सेवी। और ये सेवी डाले बाद हिलाते जाना कंटिन्यू। सेवी अपनी गलना भी और जो सब फरीदी भी रहना, गुल्लती नहीं करना इसको। इसको हिलाते जाइए आप लगा, देखिए अभी ये हो गया। अभी ये सेवी अपनी फरीरी भी है और ये गल गई भी, ये देखिए गरम है, सुरका लग रहा है। देखिए ये मेरी फेवरेट है ये सेवी बैंगन। मैं एग्जाम्स को जब 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए गई थी तो ये डेली लेके यही जा रही थी। दूर पड़ा था मेरा सेंटर और मेरा फेवरेट है ये बैंबिनो, बहुत टेस्टी रहता। देखिए आप लगा जल्दी भी वो होता, बच्चे कभी भूख से अगर वो कर रहे तो ये भी बना ले सकते। चलो अभी ये रेडी हो गया पूरा। देखिए आप ऐसा जरा लूज छोड़िए, क्यों बोलते हैं ठंडा हो गया बाद एकदम पूरा वो हो जाता, टाइट हो जाता ये। लूज छोड़िए आप लगा, ये देखिए हो गया। अभी ये रेडी हो गया, मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। अब ये निकाल रही मैं प्लेट में निकाल रही मैं। ये देखिए आप लगा कितना अच्छा लग रहा, लूज मैगी से भी अच्छा रहता ये। सॉरी ये वो बैम्बिनो है, ये बैम्बिनो। ये देखिए आप लोग ये हो गया, ये देखिए अब ये गार्निश। इसको ऐसे रेडी, और इसमें जो है सो अपन नींबू भी डाल के खा सकते, खट्टा खट्टा जबरदस्त दिखता। ये देखिए हो गया फिनिश तैयार। बैम्बिनो अपना बनके रेडी है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।